बिहार में जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसके अलावा एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रक्रिया तेज हो रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय, जिसे 6 से 8 बोलते हैं, अपर प्राइमरी आप बोलते हैं अन्य राज्यों में, उनके लिए वैकेंसीज पर बीपीएससी कार्यवाही कर रहा है। और रिजल्ट की जहाँ तक बात करें, जो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, उसके रिजल्ट सितंबर अंतिम सप्ताह तक, जो 9 से 12वीं तक के रिजल्ट हैं, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी हो जाएगा, और मिड अक्टूबर तक जो प्राइमरी का रिजल्ट है वो जारी होने की संभावना है। उसके तुरंत बाद आयोग एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसके संबंध में मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी वहाँ पर भर्ती आने जा रही है, 32,000 पदों के सापेक्ष अपर प्राइमरी में 6 से 8 वाली, जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों को मौका मिलेगा। उसके संबंध में 20 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखा गया, जिसे आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जिलावार पदों के आवंटन के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा गया है। यहाँ पर इस वाली वैकेंसी में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर विदित हो कि विभागीय पत्रांक 29 अगस्त 2019 के आलोक में वर्ग 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के क्रम में महिलाओं को 50% आरक्षण अनुमन्य है। तत्संबंधी आदर्श रोस्टर बिंदु की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये जो पद होंगे, ये सब्जेक्ट वाइज निकाले जाएंगे। मैंने आपको पहले भी डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि जो 6 से 8 की भर्ती होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है। प्राइमरी में आप देखेंगे तो किसी सब्जेक्ट की भर्ती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भर्ती होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषयवार विद्यालयों के पदों के विवरण के क्रम में यह ध्यान रखा जाए कि विद्यालय में पदों का विवरण आवश्यकता अनुसार आधारित हो एवं प्रत्येक मध्य विद्यालय में कम से कम गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के एक एक शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो सके। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो टीचर्स की हायरिंग हो सकती है, अगर इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत आरटीई मानक के अनुसार क्या मांगा जाएगा, क्या एलिजिबल होगा, कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, इन सबके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस 6 से 8 वाली भर्ती को लेकर के। मैं जानता हूँ इस समय जो एनसीटी की तरफ से खबर चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में खबर चल रहा है, उससे काफ़ी आप विचलित होंगे, बीएड के अभ्यर्थी हैं या फिर डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। तो लेकिन इस समय जो आपके हाथ में नहीं है, उसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता। आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं जमीनी धरातल पर, कोर्ट के माध्यम से जो भी कर रहे हैं, वो ठीक है, चलता रहना चाहिए। लेकिन आपके सामने जो मौका मिल रहा है, आप ऐसा ना कहीं कर दें कि जो आपका पास्ट था उसके चलते आप आने वाले फ्यूचर को भी बर्बाद कर दें। कहने का मतलब यह है कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे किसी भी पक्ष से, वो करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ उससे ज़्यादा फोकस आने वाले फ्यूचर पर करिए, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इसके संबंध में ये बिहार की 6 से 8 वाली जो भर्ती है, उसमें डीएलएड और बीएड दोनों को मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा माध्यमिक की भर्ती है, उच्च माध्यमिक की भर्ती है, जिसमें सिर्फ बीएड को मौका मिलेगा। तो लगभग 70,000 के आसपास पद हैं तीनों को जोड़ करके, और अभी ये सिर्फ स्वीकृत पद की बात की जा रही है। अभी जो यहाँ पर वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पद नहीं भरेंगे, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब 70,000 से ज़्यादा पदों की संख्या हो सकती है। मान लीजिए प्राइमरी के कुछ और पद नए सृजित हो जा सकते हैं, तो उसमें भी मौका मिल सकता है। प्राइमरी के लिए अभी पद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी हो तब तक कुछ नया चीज़ हो जाए। मान लीजिए इसी भर्ती में सभी पद ना भर पाए कैटेगरी वाली, तो हो सकता है कि उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपर प्राइमरी के लिए, तो आंख बंद करके आज ही से शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी होगी, आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे है, कैसे मौका मिलेगा, इन सबके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कार्यवाही बहुत तेजी से चल रही है बिहार में, और जो राज्य सरकार और बीपीएससी इस समय बिहार में दावा कर रही है, वो अपने नियत समय पर चल रही है। चाहे परीक्षा कराने को ले लीजिए, बीपीएससी ने जो बोला था वही करके दिखाया। अब अगर वो बोल रही है कि हम नवंबर तक इसका परीक्षा ले लेंगे, तो आप मान करके चलिए कि बहुत ज़्यादा होगा तो 15 दिन 20 दिन लेट हो जाए, लेकिन आयोग अगर नवंबर में कह रहा है, तो नवंबर दिसंबर तक आप मान करके चलिए कि परीक्षा हो जाएगा। आज सितंबर है, ज़्यादा ज़्यादा आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय रहेगा। इस वजह से आप लग जाइए आज ही से, बेहतरीन मौका है 32,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले वाइज सभी वैकेंसीज का विवरण दिया गया है, और टोटल आप देख सकते हैं 31,982 पद हैं। ओवरऑल आप मान लीजिए 32,000 में से सिर्फ 18 ही पद कम है, मतलब 32,000 मान करके चलिए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होगी। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।